स्टूडेंट्स वेलकम टू आरसीआई एजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स में समरूप आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विभव। पिछली क्लास में हमने विभव ज्ञात किया था गोले कोष के कारण, गोले कोष मतलब खोखला गोले के कारण, वो चाहे चालक हो या कुचालक हो। आज अपना जो गोला है वो ठोस होगा, ठीक है, खोखला नहीं इस बार, ठोस है। तो देखो होगा क्या, मान लो ये गोला है, ठोस है ये, ठोस मान लो इसके अंदर भी मटेरियल होगा, जैसे अपनी जो कंची होती है उसको हम लोग ठोस गोला कंसीडर कर सकते हैं, ओके। और जो बॉल होती है वो गोली कोस होता है, खोखला गोला होता है। तो मान लो एक ठोस गोला है अपने पास, ठोस चालक गोला है ये, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो मान लो ये इसका केंद्र बिंदु ओ है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर। अब हम इसको आवेशित करते हैं, देखो इसको हम आवेश देते हैं, क्योंकि ठोस है तो अंदर भी आवेश दे सकते हो आप लोग। तो अब होगा क्या, देखो जो चालक गोला है, चालक में जो आवेश होते हैं वो चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मतलब चल सकते हैं। तो देखो अब होगा क्या, हमें पता है कि जो प्लस प्लस आवेश होता है उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण मतलब वो दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो अब होगा क्या, ये जो धनावेश धनावेश हैं इनमें आपस में प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, और चूंकि ये चालक गोला है तो चल सकते हैं आसानी से। तो ये सारे जो आवेश हैं देखो ये गोले की बाहर की सतह पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये दूर दूर जाएंगे, दूर दूर कहां तक जा सकते हैं, इसकी बाहर की सतह तक जा सकते हैं, उसके बाद तो जा ही नहीं सकते हैं। तो अब होगा क्या, ये जो सारा जो आवेश है जो हमने अंदर दिया था वो सब दौड़ करके गोले की बाहर की सतह पर आ जाते हैं। तो अब ये जो केस है ये गोली कोष का जैसा ही बन चुका है। देखो गोली कोष में भी जो अपना डायग्राम था वो ऐसे ही था, उसमें सारा आवेश बाहर की सतह पे वितरित होता था। जो ठोस चालक गोला होता है वो गोले कोष की तरह ही बिहेव करता है, इसलिए जो डेरिवेशन होगा समरूप आवेशित ठोस चालक गोले का वो सेम होगा जैसे हमने गोले कोष का पढ़ा था। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस ये डायग्राम बना के फिर अपने को ये बना देना है, बाकी पूरी कहानी सेम ही रहेगी। तो इसको अलग से डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही डेरिवेशन अपने को करना है। तो गोले कोष में हमने पढ़ा था अंदर विभव आता था के क्यू बटे में कैपिटल आर, सतह पे आता है, सतह पे भी इतना ही आता था के क्यू बटे में कैपिटल आर, और बाहर आता था के क्यू बटे में स्मॉल आर। क्लियर है? तो ठोस चालक गोले के केस में भी यही फॉर्मूले रहेंगे, अंदर का फॉर्मूला ये रहेगा, सतह का ये रहेगा और बाहर ये रहेगा, ग्राफ भी सेम होगा। तो सब कुछ सेम ही है, बस केवल और केवल ये डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि जैसे ही हम ठोस चालक गोले को आवेश देंगे तो सारा आवेश दौड़ करके गोली चालक की बाहर की सतह पे पहुंच जाएगा प्रतिकर्षण के कारण। तो अब ये गोली कोष की तरह ही बिहेव करने लग जाएगा, इसलिए सेम गोली कोष का जैसा ही इसका डेरिवेशन होगा। थैंक यू। तो क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश दिया जाता है। गोले के केंद्र से 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है, ध्यान सुने। तो एक चालक गोला बनाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर ठोस है कि गोले कोष है, कि ठोस गोला है चालक है। तो ध्यान रखना, चालक गोला कैसा भी हो, चाहे वो खोखला हो चाहे वो ठोस हो, उसका जो सारा आवेश है जब भी हम आवेश देंगे उसको, वो सारा हमेशा बाहर की सतह पर ही रहेगा, इसलिए वो गोले कोष की तरह ही बिहेव करेगा। तो जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो गोले कोष वाला ही लगाएंगे। तो ध्यान रखना, तो ये अपना एक चालक गोला है, ठीक है भाई। तो इसकी जो त्रिज्या है ये अपने को दे रखा है त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद
तीन बिंदु हैं, एक तो बिंदु है 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, एक है 10 सेंटीमीटर पर और एक है 4 सेंटीमीटर पर। तो ध्यान देना, 14 सेंटीमीटर का मतलब हम बाहर की बात कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर का मतलब हम सतह की बात कर रहे हैं और 4 सेंटीमीटर का मतलब हम अंदर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि इसकी त्रिज्या 10 है तो 4 जो होगा वो तो अंदर ही होगा इसके। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, हमें एक बार बाहर विभव निकालना है, एक बार सतह पर और एक बार अंदर निकालना है। क्लियर है? चलो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी डेटा अपने को गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखो, अपने को गिवन है गोले की त्रिज्या, गिवन है अपने को आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो सेंटी का मतलब होता है 10 टू पावर -2। तो 10 को ऐसे कैसे रखेंगे, सेंटी की जगह रख देंगे 10 की घात -2 और मीटर को मीटर। तो 10 की घात 1 और ये -2, तो ये बच जाएगी 10 की घात -1 मीटर। क्लियर है? उसके बाद गोले का जो आवेश है वो अपने को दिया हुआ है Q बराबर 3.2 × 10 की घात -19 कूलम। क्लियर है? अब पहले केस में अगर हम बात करें तो 14 सेंटीमीटर दूर दिया हुआ है बिंदु, तो स्मॉल आर की वैल्यू हम रख देंगे। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो स्मॉल आर उसमें हम रखेंगे 14 सेंटीमीटर। देखो सेंटी का मतलब वही 10 की घात -2 होता है और मीटर को मीटर रख दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो 14 सेंटीमीटर ये बाहर होगा बिंदु, तो हम बाहर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाहर विभव होता है, देखो वी आउट इसका फॉर्मूला होता था के क्यू बटे में स्मॉल आर। के की वैल्यू अपने को पता होता है 9 × 10 की घात 9 होती है। क्यू की जो वैल्यू है इक्वेशन में गिवन है 3.2 × 10 की घात -19 और स्मॉल आर की वैल्यू भी अपने को गिवन है, यह है 14 × 10 टू पावर -2। इसको सिंपलीफाई जब हम करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, देखो 10 टू पावर -2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो इधर 17 बच जाएगी और प्लस की ये 9 है तो ये पावर हो जाएगी। देखो इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 को 3.2 से गुणा कर लो तो 9 × 2 = 18 है और 9 × 3 = 27 और 1 = 28। तो 28.8। घातों का हिसाब कर लो, देखो 10 की घात 9 तो प्लस की हैं और 17 माइनस की हैं तो ये बच जाएगी 10 की घात -8। क्लियर है? उसके बाद नीचे है 14, तो इसको भाग दे लेना, जो भी आंसर आए वो ठीक होगा। तो भाग दे के देख लो इसमें 14 × 2 = 28, उसके बाद भाग नहीं जा रहा है तो हमने दशमलव लगा के 0। तो इसको कहने मतलब सिंपलीफाई कर लेना, जो भी आए वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड है, जब बिंदु 10 सेंटीमीटर दूर हो, 10 सेंटीमीटर का मतलब वो सतह की बात कर रहा है तो सतह पे फॉर्मूला होता है। देखो बी के आंसर की हम बात करें, सतह सतह पे विभव का फॉर्मूला होता था के क्यू बटे में कैपिटल आर। तो देखो के की वैल्यू अपने को पता होता है ये होती है 9 × 10 की घात 9। क्यू की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है 3.2 × 10 की घात -19 बटे में कैपिटल आर। देखो कैपिटल आर गिवन है अपने को 10 की घात -1, तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगी तो हो जाएगी 9 × 3.2 × में देखो 10 की घात 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, 10 की घात -18 बचेगी और प्लस की 9 है तो -8 बच जाएगी। क्लियर है? सॉरी 9, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो 10 की घात -9 वोल्ट। क्लियर है? तीसरा है, जब बिंदु 4 सेंटीमीटर पर हो तो 4 सेंटीमीटर का मतलब अंदर की बात कर रहा है तो अंदर जो विभव होता है, तीसरे केस की अगर हम बात करें वी इन, तो वी इन का सूत्र भी होता है के क्यू बटे में कैपिटल आर। जितना सतह पर विभव होता है उतना ही अंदर होता है, तो सेम यही आंसर आ जाएगा यहाँ पर भी 2
28.8 इंटू 10^-9 वोल्ट। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, गोले को या चालक ठोस गोला होता है उसकी सतह पे जितना विभव होता है उतना ही अंदर होता है। तो इन दोनों केस में जो आंसर है वो सेम आ जाएगा। थैंक यू।